ओम शांति बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 26/6/2023। मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य देवता बना देती है। प्रश्न, आप मुरे मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता, नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओ शांति। यह भी गायन इस समय का है जो भी भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुरे तो मर गई दुनिया। दूसरी पॉइंट, तुम ब्राह्मण ही जानते हो ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तीसरी पॉइंट, परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते हैं, माला भी राम राम कह सिमरते हैं। चौथी पॉइंट, तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुहापिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। पांचवी पॉइंट, कमेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे, गॉड फादर कहते हैं ना। छठवीं पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, आखिरीन भगवान किसको कहा जाए, मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं। सातवीं पॉइंट, इस समय सभी मनुष्य मातमो प्रधान हैं, बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। आठवीं पॉइंट, देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्राय लोप है, तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। नवी पॉइंट, जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है, फॉलो करना है मम्मा बाबा को। दसवीं पॉइंट, हम स्वर्ग के मालिक थे फिर हम ही मालिक बनते हैं, स्वर्ग में जाना जरूर है फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पे नहीं चलना है, श्री मत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरी पॉइंट, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है आज का, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई अमृत वेला, सेवा जो भी दिनचर्या बनी है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिक्स नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं ला मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन
करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण सता आते जाएंगे। ओम शांति।